हेडिंग डालेगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज इन एमीन एंड अमोनिया। एमीन्स एंड अमोनिया, ठीक है, एमीन्स एंड अमोनिया। क्या कहना चाह रहा हूं, बात को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट अमोनिया, नॉर्मल अमोनिया, ये मैंने नाइट्रोजन रखा, हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन रखा, और ये लोन पेयर है मेरे पास, सही है? क्या लग रहा है आपको, पीओएस होगा या नहीं होगा? होगा, दो हाइड्रोजन सेम होते ही वैसे भी होता, यहाँ तो तीन तीन हाइड्रोजन है और सम है, या सुनो, तो क्या इसमें पीओएस है? हाँ पीओएस है, हाँ। और पीओएस होने के बाद तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। और एक वर्ड में अगर बोला जाए तो अकायरस, कुछ समझ में आ रहा है? तो एक वर्ड में जो चीज निकल के आ रही है वो क्या है, यहां पर अकायरल, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट था, लेकिन मुझे यहीं पे नहीं रुकना, मुझे एक और एग्जांपल लेना है अमोनिया का ही, अलग तरह का अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सलोनी, सलोनी है? सोनाली, कोई बात नहीं। ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा? होगा, और मैं कह रहा हूं ये नहीं होगा, ठीक है ना? तभी तो पढ़ा रहा हूं स्पेशल केस में, नहीं तो जनरल केस में पहले नहीं ले लेते अपन, क्यों नहीं होगा? इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख ही नहीं रही है। एक्चुअल में हो क्या रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये जो ड्यूटेरियम है समझना, या ट्रिटियम है या हाइड्रोजन है, ये क्या करता है, ये वाला बॉन्ड, इसको इसके पास क्या है, एक तरह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है लोन पेयर, और ये बॉन्ड तोड़ता हुआ चल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हर एक एक दूसरे के साथ इस तरह से रोटेशन चालू कर रखता है। ड्यूटेरियम ऊपर चला गया, यानी कि मूवमेंट किसका हुआ, सपोज ड्यूटेरियम का हो गया ऊपर की तरफ, तो लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, अब ये नीचे की तरफ लोन पेयर आ जाएगा, तो ये कहलाएगा फ्लिपिंग इफेक्ट, ट्रिटियम आएगा, सही है ना? तो कुछ भी हो सकता है, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज करते रहते हैं, और सबकी परसेंटेज बराबर रहती है, तो और इक्विलिब्रियम रहता है, आप किसी को एक को सेपरेट नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? तो ये एक मिनट, इसको बोलेंगे फ्लिपिंग इफेक्ट, फ्लिपिंग इफेक्ट। तो क्या इनको आइसोलेट कर सकते हैं? नहीं। सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। आप 100% इसको ला सकते हैं? नहीं। आप इसको लाएंगे अपने आप ये बन जाएगा, ये लाएंगे ये बन जाएगा, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा? नहीं। बस मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूं, नहीं रहेगा, ड्यू टू फ्लिपिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन, ये लोन पेयर में मूवमेंट है। लेकिन फास्फोरस सल्फर बड़े एटम होते हैं, उनमें फ्लिपिंग इफेक्ट नहीं देखा गया है प्रैक्टिकली, तो हमने यही बोल दिया कि बड़े एटमों में फ्लिपिंग इफेक्ट नहीं पाया जाता। तो अगर यहां पर नाइट्रोजन की जगह मैं फास्फोरस ले लेता हूं तो नहीं होता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये नोट डालेंगे आप अलग से, इन द बिग मॉलिक्यूल लाइक सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, फ्लिपिंग इफेक्ट इज एबसेंट, फ्लिपिंग इफेक्ट इज एबसेंट ड्यू टू बिग साइज। अब लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, सही है? और अगर मैं ऐसा कोई लेता हूं, ये मैंने नाइट्रोजन ले लिया, समझना आप, मुझे किसी ने कहा ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा? सोच के देखिएगा, पहले यहां तक तो ध्यान से देखिएगा, अगर CH3 होता है तो फ्लिप नहीं हो पाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में ही कर पाएंगे, तो क्या यह फ्लिप कर पाएगा? नहीं। और फ्लिप नहीं कर पाएगा तो यह बिल्कुल हमारे पास चलेगा ऑप्टिकली एक्टिव,
ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मैं आपसे फिर बात कर रहा हूं, आर एन आर डैश और आर डबल डैश, क्या ये फ्लिपिंग इफेक्ट दे पाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि बल्की ग्रुप है, सिर्फ हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप 2 डिग्री एमीन ले रहे हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव, और अगर आपने आर एन एच टू ले लिया या एन एच ले लिया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। लिखे इनको, लिख लीजिए फटाफट।